हे गाइज, दिस इज़ नैन्सी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, कैसे हो आप लोग? एंड आई एम फाइनली बैक। और ये साल का लास्ट डे है, दैट इज़ 31st of December। कल न्यू ईयर है, तो आज न्यू ईयर ईव है एंड आई एम ऑल रेडी टू गो एंड सेलिब्रेट न्यू ईयर ईव। सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी शाम के 7 बजने वाले हैं एंड हम लोग जा रहे हैं मॉल घूमने के लिए और देखते हैं वहाँ पे कैसी डेकोरेशन हो रखी है, क्योंकि वो नया नया मॉल खुला है पुणे में। सो और अपने पास ही है, तो हम चलते हैं और देखते हैं वो कैसा डेकोरेट हो रखा है न्यू ईयर के लिए। एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड टू योर फैमिली। और आप लोग अपने नए ईयर के रेजोल्यूशंस तो बना ही चुके हो, जो कि हम लोग कभी फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? तो मैं भी अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस बनाऊंगी और देखते हैं वो कितने कंप्लीट होते हैं। बट अभी के लिए हम चलते हैं और हम जा रहे हैं फिनिक्स मॉल, जो कि अभी अभी नया बना है। सो या, लेट्स गो एंड सी। सो गाइज, फाइनली हम मॉल पहुंच चुके हैं और मॉल की मेन एंट्री पे बना था क्रिसमस ट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और मॉल भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, प्रिटी है। और मॉल का नाम है द मॉल ऑफ द मिलेनियम एंड इसका एम्बियंस, ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। ये आप देखो, इसका ये मेन गेट है जहाँ से हम मॉल के अंदर एंट्री करते हैं और ये इसके साइड में दो फ़ोटो वाले स्पॉट्स हैं जहाँ से आप फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। एंड अंदर देखो, ये एक डांसर्स वाला था। मेरा मन कर रहा था कि मैं इनके साथ ऐसे ही करके फ़ोटोज़ कराऊँ, बट मेरे को तो ये हरकतें देनी होती हैं ई ई करके। देखो कैसी हरकतें देती हूँ मैं यार, मेरे को नहीं पता मैं ऐसी हरकतें क्यों देती हूँ। सो गाइज, फाइनली हम लोग मॉल आ चुके हैं। क्या बोलते हैं, मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ जो मॉल के शॉट्स मेरे पास हैं, ठीक है? पीछे देखो तनिष्क है और मॉल मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन हो रखी है, बहुत प्यारा लग रहा है, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है? सो गाइज, यहाँ पे हम शायद पैंटलूंस में गए थे, ये मैंने वहाँ से एक क्लिप ली थी कपड़ों की, मुझे पसंद नहीं आए। गाइज पता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं इतना फेंकते हैं, मतलब एक बंदा था यार मेरे साइड में, मतलब चल रहा था ऐसे तो ऐसे इतने इतने फेंक रहा था वो बंदा। तो मैं ना पैंटलूंस में गई थी, तो वहाँ पे एक बंदा ऐसे ऐसे फेंक रहा कि यार मेरी उसकी फ्लाइट थी ना, मैं मतलब वहाँ पे मैंने इतने अच्छे कपड़े देखे, मैं बेल्जियम गया था, मैं फ्रांस गया था। भाई क्यों फेंक रहे हो, भाई क्यों फेंक रहे हो, जब तुम्हारी औकात नहीं है 200 रुपये से ऊपर की चीज़ लेने वाली। यहाँ पे देखो बहुत प्यारे प्यारे इयररिंग्स हैं और मैंने बहुत प्यारी प्यारी फोटोज क्लिक करी हैं जो मैं इंस्टा पे अपलोड करूँगी। मैंने वीडियोस भी बनाई हैं तो वो आप लोग चेक कर सकते हो। सो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मॉल में क्या क्या है, ठीक है? वो ये चोरी करके भाग रहा है एस्ट्रोनॉट। यही कंटेंट आता है मेरे को देना। यही दे सकती हूँ। लाइफस्टाइल देख लो गाइस। और इधर मतलब यहाँ पे आके जो मुझे अच्छा लगा वो मतलब बहुत प्यारे प्यारे इन लोगों ने ऐसे एक एक दो दो स्पॉट्स दे रखे हैं जो। गाइज ये बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पे पेंटिंग्स हैं जो मुझे पसंद आ रही है, बट यहाँ से इतनी दूर से लेकर नहीं जा सकते। और ये वाला व्यू देखो यार आप, क्या खतरनाक व्यू है। इस व्यू पे तो मैं बड़ी क्या बताऊँ, मैं फिदा हूँ इस वाले व्यू पे यार। हाँ तो गाइज, मैं आप लोग को कुछ कह रही थी, मुझे किसी ने रोक दिया था बीच में। तो मैं क्या कह रही थी कि यहाँ पे मतलब मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि मैंने आप लोग को भी कुछ कुछ स्पॉट्स दिखाए होंगे कि यहाँ पे ना कुछ कुछ जगह पे बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे बना के रखे हैं उन लोगों ने। तो क्या बोलते हैं मतलब वो फ़ोटो के लिए, ठीक है? जैसे पहाड़ों पे जाते हैं वहाँ पे व्यू पॉइंट्स होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे फ़ोटो वाले स्पॉट्स बड़े प्यारे प्यारे बना के रखे हैं। अगर आप लोग पुणे में रहते हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आना, बहुत ही अच्छा मॉल है, बहुत प्यारा एम्बियंस है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो कितना सुंदर झूमर टाइप का एक स्पॉट बना है, मस्त। पता नहीं गाइस, ये देखो कितना प्यारा यहाँ पे फाउंटेन शो है। सो गाइस, मैंने व्लॉग स्टार्ट भी यहीं से किया था, मैं व्लॉग खत्म भी यहीं पे कर रही हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ वापस घर और ये मतलब पूरा मेकअप आज मैंने, पता इतना अच्छा मेकअप किया था, मुझे खुद से इतना अच्छा लगा मेकअप करके, मैं इतनी प्यारी लग रही थी, मतलब कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा यार आज मैं कितनी सुंदर लग रही थी। सो यही सब था जो मैंने आप लोग को दिखा दिया है और अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप इस व्लॉग को इन्जॉय करो एंड
वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब सब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि 3000 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कर देना। एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन। सो या दैट्स इट, बाय।